बैठनी थी मैं। आइए मैम, पहले तो काफी अच्छा लगा आपको देख के, आप अपने डॉटर के साथ आए हो, क्या कुछ नहीं है, मेरा बेटा है, उसके भी मुंडन नहीं हुए हैं। सॉरी, आई एम सो सॉरी, आप बेटे के साथ आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले हम अपनी बर्थडे पार्टीज़ में, अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में जाते थे, अब बच्चों के साथ उनके फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ लाइफ, ऐसा ही होता है, ऐसे हमारे माँ बाप ने भी किया होगा। सो ऑल एक्साइटेड। और आजकल जो ये कॉन्सेप्ट है कि इंडोर गेम्स होते हैं, इंडोर ऐसा होता है बच्चे पार्टी जैसा, जब हम छोटे थे तो नहीं था ये सब। सो ऑल एक्साइटेड। थर्ड बर्थडे सेलिब्रेशन में जा रही हूँ, बारे में कुछ? मैं एक्चुअली विहान को मिली थी जब वो पैदा होकर, आई थिंक ही वॉज लाइक 4-5 मंथ्स। उसके बाद वैन कोविड हो गया, फिर उसके बाद से मिली ही नहीं हूँ। तो आई एम ऑल एक्साइटेड टू सी द बेबी एक्चुअली, जिसका बर्थडे। टेलीविजन को कितना मिस कर रहे हो आप? काफ़ी हमने देखा आपको टेलीविजन पे काफ़ी अच्छे अच्छे किरदार निभाते हुए, आप कितना मिस कर पा रहे हो टेलीविजन? ऑफकोर्स टेलीविजन मिस तो करती हूँ, और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं दैट आई शुड स्टार्ट टेक अप अनदर शो, विच आई विल। कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैं ज़रूर शुरू करूँगी। किस तरह के प्रोजेक्ट आप करना पसंद करोगे आने वाले समय में? एनी थिंग विच इज़ नाइस। मैंने जैसा काम किया है, मैं आई हैव डन ओनली दीज टू टीवी शोज, सिलसिला किया था और गंगा किया था। कुछ अच्छा मिलेगा तो वाई नॉट। खतरों के खिलाड़ी भी शुरू है, आप फॉलो कर पा रहे हो खतरों के खिलाड़ी? मैं ऑनेस्टली इतना फॉलो नहीं कर पाती हूँ, बट मेरे कुछ कुछ इसमें फ्रेंड्स जाते हैं तो मुझे पता रहता है कि इट्स हैपनिंग, बट इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाती। के नाम लेना आप चाहोगी? मैं रूबी जब थी तो मैं काफ़ी फॉलो कर रही थी वो, एंड अभी श्रुति है उसमें। यस, सो खत्म हो गया, खत्म। आपने वो देखा रहेगा कनिका मानोश, मैंने एक्चुअली ज्यादा फाइट हुई उसमें बीच में फोन को, ऑनेस्टली मैं इतना फॉलो अप नहीं कर पाती हूँ, एंड आई एम क्वाइट बिजी डूइंग पंजाबी फिल्म्स। एंड आपको रियलिटी शो का मौका मिलेगा, कौन से रियलिटी शो जाना आप पसंद करोगे? बिग बॉस भी है, खतरों के खिलाड़ी है। आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर अ रियलिटी शो। आई एम वेरी हैप्पी डूइंग माई पंजाबी फिल्म, वेरी हैप्पी डूइंग इफ आई गेट अ गुड टी वी शो विच इज विच आई लाइक, सो व्हाई नॉट। बॉलीवुड और पंजाबी मूवी में कितना डिफिकल्ट हो जाता है? सिनेमा तो सेम ही होता है, चाहे आप साउथ करें, चाहे आप, तो कितने सारे साउथ वाले हिंदी करते हैं, सो आई डोंट थिंक कुछ इसमें डिफरेंस होता है। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, लैंग्वेज तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट, इट्स नॉट दैट अ बिग थिंग। इमोशन होता है आई थिंक वो, इसलिए कोई भी मीडियम हो, कोई भी लैंग्वेज हो। अब यहाँ के जितने अब लोग हैं, अब आजकल टर्किश ड्रामा देखते हैं और वो देखते हैं व्हाट इज़ दैट, कोरियन ड्रामास देखते हैं, सो लैंग्वेज इज़ नो बैरियर आई थिंक। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू।